नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आशुतोष झा में। जो हमारी राशिफल की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। अगर आपके लगन में एसेंडेंट की जो कुंडली है, लगन कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में चार नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, या फिर आपके चंद्रमा अगर चार नंबर की राशि पर तो आपकी राशि है। दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं, है ना। कर्क राशि यानी थोड़ी एक इमोशनल स्वभाव की राशि है, जल तत्वीय राशि है, वाटर एलिमेंट है। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो सिंपैथेटिक होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, थोड़ा नर्चरिंग क्वालिटी होती है, इसलिए फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली है। फोर्थ हाउस को मदर का स्थान भी बोला जाता है, यानी कि चार नंबर को आप कह सकते हैं कि जो उनके लॉर्ड मून है और मदर से भी जोड़ के देखा जाता है। तो ये पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। निगेटिव ट्रेड्स में थोड़े लेजी हो जाते हैं, कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें अपनी बता देते हैं, लोगों को भरोसा ज़्यादा जल्दी करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ग्रह स्थिति समझ लेते हैं। जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनकी तो ट्रांजिट ऑलरेडी लास्ट ईयर या इस ईयर हो चुकी है। जैसे राहु देखिए आपके नाइन्थ हाउस में 12 नंबर के साइन पे ऑलरेडी हैं, तो केतु आपके थर्ड हाउस पराक्रम वाले भाव, नेम फेम वाले भाव पे ऑलरेडी 6 नंबर की राशि पे केतु रहेंगे। शनि ऑलरेडी आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, शनि अपने ही राशि में हैं और जून में ये रेट्रोग्रेड हुए थे, अब नवंबर में जाके वापस से ये डायरेक्ट हो जाएंगे। गुरु की बात कर लीजिए, गुरु का संचरण ऑलरेडी ट्रांजिट इसी साल मई में हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर तक यहीं रहने वाले हैं, है ना। अब है कि शुक्र जो है आपके 18 सितंबर को चतुर्थ भाव 7 नंबर की राशि अपने ही राशि पे सुख भाव में यहाँ पे ये आए हैं। ये एक अच्छा योग इस 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप कह लीजिए, ये आपका शुक्र का एक अच्छा योग है। सुख के भाव में शुक्र बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और वैसे भी शुक्र को भोग विलास का प्लैनेट माना जाता है ना, सुख का भाव माना जाता है। इनफैक्ट इनकी शादी हो चुकी है, उनकी कुंडली में स्पाउस को भी शुक्र से ही देख जोड़ के देखा गया है। फोर्थ हाउस में या केंद्र में कहीं बैठते हैं शुक्र, तो मालव्य योग बनाते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन से राशि में बना रहे हैं, तो अपने ही राशि में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रांजिट है, बट फिर भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये समय आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करें, आपको टाइम भी मिलेगा। ये समय कोई अगर बहुत समय तक कोई मकान वगैरह या गाड़ी घोड़ा लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हालांकि छोटा समय है बट फिर भी अगर प्लान जिनकी चल रही है उनका ये काम ही हो जाएगा। जो नहीं भी लेना चाह रहे हैं उनको इनका सुख भोगने को मिलेगा। जैसे कहीं ट्रैवल पे चले गए तो अच्छे होटलों में रुकने का, कई दोस्तों के साथ घूमने चले गए तो गाड़ी बैठने का, मतलब कह सकते हैं कि ये सुख का इस समय आपका एक तरीके से अच्छा रहेगा। वही शुक्र की दृष्टि आपके कर्म भाव 10th हाउस पर भी पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं जॉब को भी ये इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। हालांकि उस पर आपका उतना भी ध्यान रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए मंगल आपके 10th लॉर्ड यानी कर्म भाव के लॉर्ड और पंचम यानी कि आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन लव या आप कह लें क्रिएटिविटी का जो हाउस है उसके लॉर्ड होके मंगल ऑलरेडी 20 अक्टूबर से पहले तक तो आप मान के चलिए कि 12th हाउस में ही रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि 10th का लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में हाउस ऑफ लॉस का संबंध बन रहा है, तो इस समय जॉब वगैरह जाने की भी दिक्कत आपको आ सकती है। हो सकता है कि कंपनी में आपकी ना किसी से बने, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। वहीं पंचम हालांकि एक बहुत ही अच्छा हाउस है, शुभ हाउस माना जाता है, उसके भी लॉर्ड हैं और 12th में मंगल बैठे हैं, तो ये स्थिति आप मान के चलिए जॉब प्रोफेशन के हिसाब से अच्छी नहीं है। करियर वाइज अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलता तो ज़रूर जाइए, क्योंकि एलिमेंटल आपको मैच करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो वहाँ भी जॉब परिवर्तन की संभावना यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। 20 अक्टूबर तक तो मंगल यहीं है, 20 अक्टूबर को मंगल आपके फर्स्ट हाउस यानी इसी राशि पे आ जाएंगे, तो यहाँ जाके वो डेबिलिटेड यानी कि एक तरीके से नीच के मंगल हो जाएंगे। केंद्र में रहेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके बिजनेस, आपका जो स्पाउज है एक तरीके से पार्टनरशिप का हाउस है, उसको यहाँ पे सप्तम दृष्टि से वो देखेंगे, जो कि दृष्टि वाइज अगर देखा जाए तो एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च की दृष्टि होगी, बट खुद ही डेबिलिटेड है। देखिए जब एग्जॉल्टेशन की बात आती है तो हमेशा ये नहीं कि उसका फल अच्छा ही मिलता है। कर्क राशि के लिए वैसे भी अगर देखें तो मंगल हालांकि योग कारक आप कह सकते हैं या फिर उतना नुकसान नहीं पहुंचाते कर्क राशि को, क्योंकि चंद्रमा से उनकी मित्रता है, लेकिन एलिमेंटल डिफरेंस हमेशा रहेगा। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, मंगल एक फायर एलिमेंट है, उच्च दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। और इसके जो लॉर्ड हैं शनि ऑलरेडी वक्री होकर आपके 8th हाउस में है, और कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि शनि का जो ढैया है वो आपको काफ़ी यहाँ पे परेशान शनि ने किया होगा। ऑब्स्टेकल्स का घर है ना, एक तरीके से काफ़ी अच्छा घर इसको मैं मानता हूँ, कि ट्रांसफॉर्मेशन है, अकल्ट है, पैतृक संपत्ति आप कह लीजिए, लाइफ स्पेन का भी घर इसको माना जाता है, मिस्ट्री अकल्ट साइंस है, काफ़ी अच्छा घर है। ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इस समय
धन के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए सप्तम दृष्टि से धन पे असर डाल रहे हो, मित्र दृष्टि नहीं है कि सूर्य तो इनके वैसे भी कसम खाए हुए दुश्मन स्वर्ण इनमी की तरह है, तो धन का नुकसान आपने महसूस किया होगा। जॉब प्रोफेशन पे आप तीसरी दृष्टि उनकी जॉब प्रोफेशन पे पड़ रही शनि की, यहाँ आपने जरूर कुछ ना कुछ महसूस किया होगा झटके, चीज़ें आराम से नहीं चल रही होंगी। और सप्तम दृष्टि तो यहाँ पे उनकी पड़ ही रही है, और अष्टम नौ दसम दृष्टि जो है उनकी वो अगेन आपके पंचम पे पड़ रही है, जहाँ पे मंगल का साइन है और शनि मंगल आपस में वैसे भी मित्र नहीं है। तो कुल मिला के शनि की जो ढैया है, दो साल आपने काफ़ी मुश्किलों से गुजारा है, ये छः महीने और बचे हैं, आप इसको आराम से लेके चलिए। अभी भी मैं यही कहूँगा कि रेमेडी सैटर्न का करते रहिए, आप शनि टेम्पल जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और लोगों की मदद कीजिए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए, सेवा भाव से कीजिए, दया भाव से नहीं, ये आपको करते रहना चाहिए। बृहस्पति आपके आय वाले स्थान पे हैं, गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति नाइन्थ लॉर्ड होके आय पे हैं, तो नाइन्थ यानी भाग्य का संबंध एलेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ गेंस से है। एलेवेंथ हाउस आपका आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल है ना, आपके बड़े भाई बहन भी हैं, उसका संबंध इससे बन रहा है। तो गुरु जो है एक आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस करने की चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नए, आपने देखा होगा कुछ नए फ्रेंड सर्कल आपके बने होंगे, अगर कुंडली में आपके गुरु वैसे बहुत अच्छे पोजिशन पर और स्ट्रांग है तो वो फ्रेंड्स आपके कहीं ना कहीं काम भी आने वाले हैं, उनके थ्रू आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। तो जहाँ शनि का रेमेडीज़ मैंने आपको करने को बोला, मंगल की रेमेडीज़ आपको करती रहनी है, उसके अलावा गुरु का विष्णु सहस्रनाम आप जरूर सुने। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी कर्क आपकी राशि है, लगन है और बृहस्पति की पोजिशन अच्छी है, तो पुखराज पहनना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस समय आपको बृहस्पति का सपोर्ट लेते रहना चाहिए, क्योंकि शनि जो है नुकसान तो पहुँचा ही रहे हैं, धन का भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, और सूर्य भी जो है अब अगर देखें तो 10 अक्टूबर से पहले सूर्य और बुध यानी दोनों ही आपके सिक्स थर्ड हाउस में नेवन फेम वाले में छः नंबर की राशि पे, तो केतु और सूर्य अगेन यहाँ पे ग्रहण योग बना रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, है ना। आपको आपके नाम पे बेफजूल जो आपने किया भी नहीं है कई बार, उस तरह की इल्ज़ाम भी आप यहाँ लग सकते हैं। बुध यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ, तो ये दोनों आपस में खैर बुध अति योग बनाते हैं, कई बार ये देखा जाता है कौन से साइन पे बनाए उससे ज़्यादा आपको फायदा नुकसान आप देख सकते हैं। लेकिन छः नंबर चूँकि बुध का अपना ही साइन है और बुध जो है अपने ही साइन पे एग्जॉल्टेशन को ही प्राप्त होते हैं, एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि पे एग्जॉल्टेड होते हैं, और सूर्य के साथ मिलके अगेन उनकी दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो ये बुध आयति योग का आपको फायदा यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। बट केतु के साथ होने की वजह से थोड़ा नुकसान पिता के हेल्थ में भी कर सकते हैं, पावर पोजिशन में भी थोड़ी गिरावट यहाँ पे लाने का कोशिश केतु की वजह से होगा। चंद्रमा 1 तारीख को यहाँ आएंगे, लेकिन चूंकि 2.5 दिन में रहते हैं, जब जब 6, 8, 12 से गुजरेंगे थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी, आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं तो इसका आपको फिर भी ध्यान थ्रोट। मेरा मानना है कि कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले तो वैसे भी शिव जी की पूजा थ्रू आउट करते रहें, क्योंकि आपका माइंड बैलेंस होना बहुत जरूरी, क्योंकि सारे जल तत्व की राशियाँ हैं और इमोशंस को प्रभावित करती हैं। वहीं आप देखिए बुध जो है 10 तारीख को 10 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे, सूर्य भी तुला राशि में 17 को आ जाएंगे। अगेन बुध अति योग है, दृष्टि वाइज देखा जाए तो मित्र दृष्टि होगी सूर्य की, बुध की में दृष्टि ना भी हो, लेकिन फिर भी अगेन जॉब एंड प्रोफेशन वाले घर आपके कैरियर को ये प्रभावित करेंगे। सूर्य तुला राशि में आके नीच के हो जाएंगे, तो अगेन मैंने जैसे कहा कि सूर्य पावर पोजिशन को दर्शाते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी तरीके से शुक्र का जो गोचर काफ़ी अच्छा चल रहा था आपके कह सकते हैं कि सुख भाव के लिए, शुक्र भी जो है 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। दृष्टिवाइज अपने ही घर पे आय वाले दृष्टि पे शुक्र की दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, अगेन गुरु की दृष्टि शुक्र पे होगी, दृष्टिवाइज काफ़ी अच्छा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, है ना। लेकिन 8 नंबर के साइन पे हैं जो शुक्र का साइन नहीं, मित्र साइन तो एक्चुअल में नहीं माना जाता, और इसका जो डिस्पोजिटर ऑलरेडी डेवलेशन के साइन पे होगा, तो शुक्र यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, बट दृष्टिवाइज अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो फिर भी इनकम और आय की जहाँ तक बात है फ्रेंड सर्कल बना के रखने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति की परस्पर दृष्टि होगी, अगर जो लोग एजुकेशन में हैं ऑलरेडी उनको फायदा होगा, जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, जो लोग ऑलरेडी हैं जिनके बच्चे शुक्र की वजह से थोड़ा बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन बृहस्पति उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पंचम पे हैं तो लव का हाउस भी है, शुक्र कहीं ना कहीं रोमांस लव को दर्शाते हैं, तो जो लोग अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, पढ़ने संबंध बनना चाहते हैं, तो ये सही समय होने वाला है। अगर कोई लफड़े आपके जीवन में चल रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड या फिर प्यार वाली जो भी लाइफ है आपकी, तो इस समय शुक्र आपको थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। हालांकि मित्र की राशि में नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा पंचम फिफ्थ हाउस फिर भी बेनिफिक हाउस है, और शुक्र भी फिर भी बेनिफिक प्लैनेट ही माना यहाँ पे जाता है। तो ये आपने देखा कि धन के दृष्टिकोण से हमने समझने की कोशिश करी, थर्ड हाउस नेवन फेम पे हमने समझने की कोशिश करी कि इस समय झूठे मूठे आप पे ब्लेम यहाँ पे लग सकते हैं। भाग्य को राहु, देखिए राहु को समझना बड़ा मुश्किल है, राहु जब अकेले किसी घर में 3, 6, 11 में राहु का रिजल्ट हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब किसी भी घर में केंद्र या त्रिकोण में जब अकेले हो तो खुद को राजा मानते हैं,
और यहाँ पे अकेले जब जब रहेंगे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको देंगे, जब आप उम्मीद नहीं करेंगे कि चीज़ अच्छी होंगी तब जाके राहु गेम पलटने में माहिर होंगे आपके लिए। इसका डिस्पोजिटर बृहस्पति जो है अपने अच्छे घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बृहस्पति मीन राशि जो है एक जलतत्व की राशि, एक घोर इमोशन आप कह लीजिए, अथाह समंदर इमोशंस का आप कह सकते हैं, और राहु जो आपके मेंटल प्लेन पे काम करता है वो भ्रम की स्थिति जरूर बनाएगा। आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपने मन को काबू में कीजिए, अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, और प्लान बनाने के अलावा आप धरातल में चीज़ों को लेके आइए, तब यही राहु आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शनि का मैंने कहा थ्रू आउट रेमेडीज करते रहिए, 6 महीना अभी आपके पास बाकी है, क्योंकि आपके फाइनेंस वगैरह को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके जॉब प्रोफेशन को भी तीसरी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम से फाइनेंस को, और फिर आपके पूर्व जन्म के हाउस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, आपका जो क्रिएटिविटी है उस पर भी ये इनका असर हो रहा है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो जो अक्टूबर का महीना है जॉब में कुछ परिवर्तन आपके लिए जरूर लेके आएगा, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज देखें बृहस्पति अच्छे घर में है, हालांकि इस घर के 6th हाउस के भी लॉर्ड हो जाते हैं, मूल त्रिकोण की राशि है इनकी धनु राशि, थोड़ा बहुत आपको हेल्थ के इश्यूज़ दे सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक वगैरह हैं तो आपको भी बच के रहना है, शुगर आपका बढ़ेगा, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सब ठीक है। जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आप वो करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का पर्सनलाइज विश्लेषण मैं करूँ तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशंस जो हैं वो पेड होने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।